स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। संदेश दवा बाजार में भीषण आग, करोड़ों रुपए का नुकसान होने का अंदेशा। विदर्भ का सबसे बड़ा संदेश दवा बाजार गंजीपेट जेल गोडाउन में बीती रात करीब 1:30 बजे के बीच शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से कई दुकानें आग में खाक हो गई। इससे करोड़ों रुपए का नुकसान होने की जानकारी मिली है। दमकल विभाग के अनुसार गंजीपेट जेल गोडाउन स्थित संदेश दवा बाजार विदर्भ का सबसे बड़ा 4 मंजिला दवा बाजार है। यहाँ पर दवाइयों की करीब 400 दुकानें हैं, जिसमें 100 से अधिक दुकानें आग की चपेट में आई है। वहीं 40 से 50 दुकानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इन दुकानों में महंगी से महंगी दवाई थी। इसके अलावा हेल्थ से जुड़े कुछ उपकरणों के स्टोर्स भी हाथ है। 3री मंजिल पर दवाई का फ्रीजर था, वह भी आग की भेंट चढ़ गया। सबसे पहले आग पहले मंजिल के पुनीत मेडिकल स्टोर्स में शॉर्ट सर्किट से लगी और वहां से विनायक एजेंसी और दिलीप मेडिकल स्टोर्स तक पहुंची। यह तीनों दुकान बुरी तरह खाक हो गई है। उसके बाद आग पास की दुकानों तक फैली, फिर धीरे धीरे आग ऊपर की मंजिल तक पहुंची। आग में 3 मंजिलों की दुकानें आग की चपेट में आ गई। कुछ दुकानों के एसी और फ्रिज तक आग पहुंचने से इनके कंप्रेसर फट गए, जिससे आग तेजी से फैल गई। सबसे पहले यह आग पुनीत मेडिकल स्टोर्स में लगी थी। वहां के सुरक्षा गार्ड ने आग लगने की जानकारी दी। उसके बाद दवा बाजार में लगे फायर फाइटिंग के उपकरणों से आग बुझाने का काम शुरू हुआ। वहां पर बिजली का मेन स्विच तुरंत बंद करने से करंट जैसी घटना से बचा जा सका। उसके बाद दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी दी गई। दमकल की एक गाड़ी तुरंत पहुंची, लेकिन आग को तेजी से फैलते देखकर कई गाड़ियां बुलाई गई। दुकानों में ताले लगे होने से दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इमारत के दोनों ओर से दमकल की गाड़ियां पहुंचने में आसानी होने से और काफी खुली जगह होने से दमकल गाड़ियां अंदर तक जा पहुंची, जिससे दमकल कर्मियों को काफी सुविधा हुई। घटनास्थल पर 11 गाड़ियां पहुंची थी। दोपहर 12 बजे तक आग बुझाने का काम जारी था। महानगर पालिका के दमकल अधिकारी उचके ने बताया कि बीती रात से आग बुझाने का काम जारी है। दुकानों में दवाई और केमिकल होने से आग तेजी से फैली है। एसी और फ्रिज के कंप्रेसर फटने से आग ज्यादा बढ़ गई। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है। दमकल के कर्मचारी रात से आग बुझाने में लगे हुए हैं। इसमें कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। पूरी आग बुझाने के बाद ही नुकसान का आकलन किया जा सकेगा। तो देखते रहिए MNS News Live। धन्यवाद।